गुरुग्राम में करोड़ों रुपए की जमीन के फर्जीवाड़े में गुरुग्राम के थाना में धोखाधड़ी के मामले में संलिप्त आरोपी भीम सिंह राठी ने 2-3 दिन पूर्व ही न्याय मंच की स्थापना की है तथा लोगों से वादा किया है कि वह जन आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए जन सेवा के काम करेंगे। बता दें कि 2 वर्ष पूर्व गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को पूर्ण मनचंदा नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा SPR रोड पर गांव बेगमपुर खटोला में शिकायतकर्ता की जमीन के फर्जी कागजात के आधार पर पंजीकृत कराकर हड़पने का मामला था। गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद फर्जी कागजातों के आधार पर जमीन पंजीकरण कराकर हड़पने वाले आरोपियों के खिलाफ गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में IPC की धारा 120B, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। तो आप न्याय मंच के प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़े हैं? हम चुनाव न्याय मंच हमारा गैर राजनीतिक मंच है। सर आप BSP से भी चुनाव लड़ चुके हैं पहले? जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपके ऊपर गुड़गांव में कई फ्रॉड करने के रोक लगे हैं? कोई नहीं, मेरे खिलाफ कोई फ्रॉड का केस नहीं। नहीं, जो 40 करोड़ रुपए की एक मृतक मेजर था उसके नाम की मृतक नहीं, वो बंदा आज भी जिंदा है। अच्छा, वो जिंदा है? आपको किसी ने गलत बताया? नहीं, FIR लॉज हुई ना उसकी? FIR दौड़ रही। मैं तो उस जमीन का बोनाफाइड परचेजर हूँ। ओके। मैंने करोड़ों रुपए जमीन के पैसे दिए, सारी लीगली फॉर्मेलिटी पूरी करी। नहीं, वो GPA फ्रॉड बनाया गया ना? ये अब मैं नहीं कह सकता इस बात को। हमने तहसीलदार को एक अप्लीकेशन दी, तहसीलदार ने उस GPA की जांच करवाई, उस दूसरी तहसील जहां GPA रजिस्टर्ड थी वहां जांच हुई, वहां से इस यहां के तहसीलदार ने, खादीपुर गुड़गांव के तहसीलदार ने लेटर उस तहसीलदार को लिखा, उस तहसीलदार का वहां से जवाब आया, उस लेटर लिखा बाई जो है ना पोस्ट, तब संतुष्ट तहसीलदार कादीपुर गुड़गांव का तहसीलदार संतुष्ट हुआ। GPA की पूर्ण रूप से वेरिफिकेशन करवाने के उपरांत ही मैंने जमीन खरीदी। लेकिन और मैंने करोड़ों रुपए दिए एक नंबर में, सरकार को 40 लाख का रेवेन्यू दिया मैंने। लेकिन सर जो NRI है उसके तो रोब थे, उसके रोब की ये बिल्कुल फर्जी बड़ा हुआ है। मैंने तो नहीं किया था फर्जीवाड़ा, मैं तो बोना फाइट परचेजर हूँ। अगर आपको जमीन खरीदते हो तो आप किससे जांच कराओगे? अथॉरिटी से कराओगे? जब आप अथॉरिटी ने एक बात कह दी कि जी ये ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है, और आप उसको जमीन खरीद लेते हो और आप पैसा देते हो एक नंबर में, सरकार को रेवेन्यू भी देते हो, तो आप फ्रॉड कैसे हुए? सर जो गवाह तो कहते मृतक था, जब आपने रजिस्ट्री कराई है? कोई गवाह मृतक नहीं है और ना ही वो बंदा NRI है। और NRI हो तो भी क्या फटता, कानून तो NRI के लिए भी बराबर है, रुश्वतखोरी के लिए बराबर है। जो GPA बदली गई है ना, इसके बिहार पे पर्चा दर्ज हुआ? वो पर्चा दर्ज हुआ, बिल्कुल हुआ। तो किस बिहार पे हुआ सर? कि जो GPA थी वो GPA बदली गई थी बही में से, जो रिकॉर्ड में लगी हुई थी उसमें जो वहाँ का रिकॉर्ड, उन लोगों ने बात को एक्सेप्ट कर लिया, हमने बदली। उन्होंने तो जैसे जिस जमीन मालिक के साथ ना जी, जिस जमीन मालिक के साथ ये फ्रॉड हुआ उसके साथ जो चीटिंग हुई वो मेरे साथ भी तो हुई, मैं भी विक्टिम हूं, मैंने पैसे दे रखे करोड़ों रुपए। आपने कोई फ्रॉड नहीं किया? नहीं, कोई फ्रॉड नहीं किया। उनके जिन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया उनके खिलाफ भी मैंने केस किए हुए हैं। आपका नाम किस बिहार पे उस एफआईआर में दर्ज है? मैं परचेजर हूं। आपका नाम दर्ज है? मेरे, मैं आज आज परचेजर नहीं, परचेजर सुभाष है सर, आप नहीं है? मैं सुभाष मुझे बेचने वाला है। हाँ तो सुभाष तो मालिक नहीं था ना जी, मालिक तो आपको मैं बताना यही चाहता हूँ कि सुभाष ने अपने भतीजे, जो पुलिस कह रही है, पुलिस जो कह रही है, सुभाष ने अपने भतीजे टोनी के साथ मिल गए, उसका भतीजा टोनी यादव उसके साथ मिल गया, उन्होंने GPA फर्जी तैयार करी, फिर वो मार्केट में जो है ना घूमे, अगर हमें को ग्राहक मिल जाए तो मेरा कुछ मेरे को जानने वाला था उसके कहने से मैंने जमीन परचेज की। और मैंने एक नंबर में आके भी बताऊंगा मैं, आप प्लीज सुनिए। उन लोगों ने FIR में ये लिखा हुआ है, प्लीज आप जो खरीदार और परचेजर जो है वो मिले हुए थे आपस में, वो ठीक कहता है, उसका इनाम है ये।
कोई भी आदमी कोई भी आदमी जिसके साथ फरार होगा तो जाहिर सी बात है मैं भी उसकी जगह होता तो मैं बेचने वाले खरीदने वाले दोनों के खिलाफ करता और मेरे उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने ये गलत काम किया। भीम सिंह राठी को भी हमने ठगा पर पुलिस में कुछ अधिकारी थे जो जातिवाद के शिकार थे जो जातिवाद के नीचे तक धरना करते थे। SHO ACP DCP वो एक ही जाति के लोग थे उन लोगों ने मुझे फंसाया जबकि मेरा वहाँ को मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ मैंने करोड़ रुपए एक नंबर में दिए हुए हैं। तो आपने सर आपने लेटेस्ट मैंने रिकवरी खत्म हो गया मामला मैंने नहीं मैंने रिकवरी के सूट डाले हुए हैं तभी मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए। एक मैंने पुलिस कमिश्नर को एक मैडम आप थोड़ा सा बंद करो आप मैंने उनके खिलाफ पुलिस कमिश्नर को एप्लीकेशन दी अब भाई इन लोगों ने मेरे साथ ही फरार किया है आप मेरी तरफ से भी मुकदमा दर्ज करो मेरे पैसे भी तो मुझे दिलवाओ। वो एप्लीकेशन मैंने दी उसमें क्या हुआ उसमें पुलिस कमिश्नर ने कुछ नहीं किया पुलिस कमिश्नर उसको एप्लीकेशन को दबा के बैठ गया। मैंने फिर कोर्ट में डाला अब इस केस की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुलिस अपने चलान में कहती मैंने पैसा घूमया भाई घुमा तो दिखाओ ना मेरे यहाँ से तो पैसा गया मेरे बैंक से पैसा गया मुझे लॉस है। पुलिस ने बिल्कुल हमारे को झूठा फंसाया मनगढ़ंत कहानी है उनकी राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया जातिवाद के कारण फंसाया कि ये लोग नहीं चाहते अब पिछड़े वर्ग के अति पिछड़े वर्ग के कमजोर वर्ग के लोग आगे आए उनकी आर्थिक तौर पर स्थिति मजबूत हो राजनीतिक भागीदारी में वो हिस्सा लेने की कोशिश करें। हमारे को तो राजनीतिक तौर पर फंसाया गया जातिवाद के तौर पर फंसाया गया।